जादू की कहानी को ना तो किसी मुल्क से कोई ताल्लुक है और ना किसी मजहब से। एक अनोखी बस्ती में एक अनोखी किस्म की लड़की रहती थी जिसका नाम था सुंदरी, यानी कि स्टेज की परी। लो मोल किसके लूं अजी, छोड़ किसके दूं अजी, तुम्ही फैसला कर लो, तुम्ही फैसला कर लो। मेरे फूल है प्यारे प्यारे, वेरी गुड, मेरे फूल है जान से प्यारे, ब्यूटीफुल। अरे ये है कश्मीर के। अच्छा जी, ये है लाल बाग के। वाह, बड़ी आई फूल वाली, चुप चुप रे होंगी गाले। अरे क्या करती हो, अरे क्यों लड़ती हो, है है है, तेरी नाक तोड़ दूंगी। अरे पुलिस पुलिस पुलिस। तोते गरीब पर क्यों बिगड़ती हो, देखो तो सही सूरज कहां आन पहुंचा। आने दे, मैं तेरे बाप की नौकर नहीं, अपनी नींद सोऊंगी अपनी नींद जाऊंगी। तुझे तो किसी राजा के घर पैदा होना चाहिए था। ए बुढ़िया, जबान संभाल कर बात करना, मैं इस घर में रहने का किराया देती हूँ। हाँ हाँ बाबा,
मगर मैं भी तो तेरी देखभाल करती हूँ, तुझे पकी पकाई खिलाती हूँ। तेरा कोई माँ बाप नहीं और मेरी कोई औलाद नहीं, बिगड़ा ना करो मुझ बुढ़िया पर। हाँ बिगड़ा ना करो। मेरी अच्छी बिटिया एक काम करोगी? क्या है? पुलवा बीमार है और मुझे नीचे जाकर दुकान संभालनी है, जरा बाजार से सब्जी तरकारी ला दो। पैसे निकाल। दो सिर बैंगन, दो सिर आलू, दो सिर प्याज, दो सिर भिंडी, दो सिर मूली, दो सिर आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? ये रहा रुपया और ये रही टोकरी, जल्दी फटाफट। एक रुपया में सारी दुकान खरीदने आई हो? मैं खुद भी बैठ जाऊं इस टोकरी में। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, देता हूँ। ये रहे मटर, ये रहे प्याज, ये रहे आलू। जाने कहां मर गई, बाजार जाती है तो वापस आने का नाम नहीं लेती। लो जी ये रही तुम्हारी सब्जी तरकारी, घर से निकलो तो मुसीबत आ जाती है। मुसीबत कैसी? इस शहर के लोग बड़े खराब हैं, हम लोग रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं, कोई आंख मारता है कोई दिल फेंकता है। मैं सदके, मैं कुर्बान, ओ मेरी प्यारी, ओ मेरी जान। सुंदरी को देखा और राल टपकने लगी, मेरा बस चले तो एक एक को जेल करवा दूं। गरीब की जवानी को दुनिया ललचाई हुई नजरों से देखती है बेटा, जमाना बहुत खराब है। मेरा गुस्सा भी बहुत खराब है, जल्दी से खाना तैयार कर, मुझे भूख लगी है। आप अंदर जा सकते हैं, सुबेदार साहब इंतजार कर रहे हैं। हवलदार प्रीतम, हम तुम्हारी बहादुरी और दलेरी के कारनामे एक मुद्दत से सुन रहे थे और आज तुम्हें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इन कागजात में तुम्हारे अफसरों ने तुम्हारी बेहद तारीफ की है, ये पढ़कर हमें खुशी हुई कि तुम नेक, बहादुर और ईमानदार सिपाही हो। तुम शक्ल सूरत से भी होशियार और समझदार नजर आते हो। गुलाम इस कदरदानी का शुक्रिया बजा लाता है। इस सूबे में अमन कायम रखने के लिए हमें तुम जैसे बहादुर और जांबाज सिपाहियों की जरूरत है और इसीलिए तुम्हें बालापुर से यहां तब्दील किया गया है। उम्मीद है कि तुम अपनी ड्यूटी और अपने फर्ज पर पूरे उतरोगे, शराफत और ईमानदारी से तरक्की की आखिरी मंजिल तक पहुंचोगे और हमारी नजरों में इज्जत हासिल करने की कोशिश करोगे। गुलाम सरकार की खिदमत को अपनी खुशकिस्मती समझेगा। क्या इससे पहले भी कभी तुम्हें इस शहर में आने का इत्तेफाक हुआ? गुलाम का ये बिल्कुल पहला मौका है सरकार। फिर तो हमें ये बताना ही पड़ेगा कि इस शहर में कुछ ऐसे पहाड़ी लोग भी आकर आबाद हो गए हैं जो देखने में सीधे साधे और गाने बजाने के शौकीन नजर आते हैं, मगर याद रखो वो लोग खूनी डाकू और लुटेरे हैं और उनकी खूबसूरत लड़कियां औरत के रूप में जहरीली नागने हैं। ये लोग हमारी भोली भाली रियाया के लिए मुसीबत का बायस बन गए हैं, यहां तक कि हमारे अच्छे अच्छे अफसर भी उन लड़कियों के जाल में फंसकर अपने फर्ज को भूल जाते हैं। गुलाम अपने फर्ज को याद रखने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। याद रखो मोहब्बत के जाल में फंसकर इंसान तरक्की नहीं कर सकता। इससे पहले कि तुम अपनी ड्यूटी संभालो, तुम्हें इस शहर के गली कूचे और पहाड़ी लोगों के तौर तरीके देखने और समझने का मौका दिया जाता है। अच्छी तरह घूम फिर कर देखो, तुम्हें 24 घंटे की छुट्टी दी जाती है। अब तुम जा सकते हो। Thank you.
सड़क है ठंडी सड़क, अकड़ अकड़ के चलो न बाबू, अकड़ अकड़ के, अकड़ अकड़ के चलो न बाबू, ठंडी सड़क है ठंडी सड़क। मेरा लड़का बीमार है और तू दीवार पे बैठी पहाड़ी कौवे की तरह काय काय कर रही है। चल भाग यहाँ से। नहीं जाती, तेरे बाप की दीवार नहीं। नहीं जाएगी? बहुत अच्छा, मैं अभी खोलता हुआ पानी तुझे फेंकती हूँ, देखो तो सही किस तरह नहीं जाती। बड़ी आई पानी फेंकने वाली। मालूम होता है बुढ़िया को तुम्हारा गाना पसंद नहीं आया। भेजा खराब है इसका। तुम्हें मेरा गाना पसंद आया? तारीफ नहीं कर सकता, मैं तो समझा था बुलबुल चहक रही है। बुलबुल? मेरा नाम सुंदरी है। तुम्हारे बदन से सुरें निकल रही है, तुम आदमी हो या हारमोनियम? हारमोनियम? मेरा नाम प्रीतम है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज मेरी घड़ी से आ रही है। देखो, वाह अजीब घड़ी है, मालूम होता है तुम्हें संगीत का बड़ा शौक है। जी, तुम्हारे गाने ने मुझ पर जादू कर दिया है, एक बार और सुनने को जी चाहता है। सुना सकती हूँ, मगर एक शर्त है। हाँ? शर्त? वो क्या? इस शहर के सब बदमाशों को जेल में डाल दो, कंबक बड़ा परेशान करते हैं। तुम गाना सुनाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें गाना सुनने का शौक है तो कल रात 8 बजे इसी जगह मुलाकात करना, हमारे मोहल्ले में नाच गाने का जश्न है, मैं तुम्हें साथ ले चलूंगी। हाँ, सेफ हाउस। पहले मुझे नीचे उतारो। हाय हाय मेरी नारंगियां, जोर जोर पकड़ो, दौड़ो जोर 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 जोर। किस सोच में पड़े हो भैया, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है, रंग जर्द, उदास चेहरा, बहकी हुई नजरें, मालूम होता है किसी फुलझड़ी का जादू चल गया है तुम पर। जादू? कैसा जादू? इश्क के भूत का दूसरा नाम है जादू, और ये जादू सर पर चढ़कर बोलता है, बैठे बैठे रोने को जी चाहता है, अपने आप तन बदन फूकने लग जाता है। हालत ज्यादा खराब हो तो मुझे जगा लेना, बैठकर पंखा झलूंगा। सुंदरी, कितना प्यारा नाम है। प्रीतम, कितना सुंदर नाम है। Thank you.
क्यों दोस्त, दिन के उजाले में 6 फुट का जवान टक्कर खाएगा तो देखने वाला क्या समझेगा? मालूम होता है इस फरमाने निकले हो। हमें किसकी तलाश है? तुमने मुझे बहरा समझा है? अजी बहरे हो आपके दुश्मन, ये तो इस शहर की आबो हवा का असर है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस शहर में ऐसी ऐसी फुलझड़ियां, ऐसी ऐसी तितलियां आबाद हैं कि देखने वाले को कलेजा थामना पड़ता है। मालूम होता है तुम खुद किसी को दिल दे बैठे हो। भाई दिया तो है मगर दाल नहीं गलती। ये आई वो गई, बड़ी शोक है बड़ी चंचल। जालिम के सीने में दिल नहीं पत्थर है। मैं जमीन की पूछता हूँ वो आसमान की बताती है, और सच पूछो तो जालिम की यही अदा मेरे दिल को भाती है। अब बस यही वक्त है उसके आने का, इस जरा घड़ी में टाइम तो देखना। टाइम? मेरी घड़ी तो कल से गायब है। अब तुम्हें अपना होश नहीं घड़ी क्या संभालते? जरा बचकर रहना, इस शहर के कारीगर तो आंखों से सुरमा तक निकाल कर ले जाते हैं। ओ सुंदरी, हुस्न की मलका को सलाम। इनसे मिलो, हवालदार प्रीतम यानी कि छुपे रुस्तम, और इनका नाम है सुंदरी उर्फ फुलझड़ी। फुलझड़ी जी, लोग कहते हैं जब मैं हंसती हूँ तो मेरे मुंह से फूल झड़ते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और आपसे ज्यादा मुझे, इस लिबास में आप कितने अच्छे मालूम होते हैं। दिल के भी अच्छे हैं, मगर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। और इनका जादू? जी मैं कोई जादूगर तो हूं नहीं, मैं तो बस यूं समझ लीजिए, क्या कहते हैं उसे, मैं तो अभी कल का। मैं समझ गई कल के बच्चे हैं आप। आपकी निगाहें तो इस बच्चे पर जम गईं। अजी तीर खाया हुआ दिल तो इधर है। क्या कहा? मैं ये अर्ज कर रहा था कि निगाह करम की जरूरत बच्चे को नहीं, बच्चे के बाप को है। जरा इधर देखिए, कुछ हंसिए, बोलिए। बाप रे, क्या जादू है इन मधभरी आंखों में। घूमने चलिएगा रात को 8 बजे। मैं इसी जगह इंतजार करूंगा। तुम्हारी घड़ी ठीक 8 बजे उसी जगह। क्यों जी, ये घड़ी तो गुम हो गई थी ना, यारों से झूठ बोलते तुम्हें शर्म ना आई? क्या बताओ, मैं तो यही समझा था। तो फिर उसके पास कैसे पहुंच गई? सच सच बताओ, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? बिल्कुल नहीं, कल रास्ता चलते उससे टक्कर हो गई, उसके बाद घड़ी गायब थी। घड़ी गायब थी, हमसे उलझने की कोशिश ना करना, समझे? तू, तेरी माँ, तेरी दादी, ये कपड़े धोने की जगह है? बुलाओ हवलदार को। हवलदार की बच्ची, ये दांत किसी और पर जमाना। गालियां देती है, सर तोड़ दूंगी। मेरा सर तोड़ेगी? ऐसा डंडा जमाऊंगी कि खोपड़ी पिलपिली हो जाएगी। ऐसा मुक्का दूंगी कि मुंह में एक दांत भी न रहे। दांत तोड़ेगी मेरे? देखो तो किस सुरमा की बेटी है तू। छोड़
आ गए। मुझे बचाओ जमादार साहब, मुझे बचाओ। इस जंगली लड़की ने पत्थर मारकर मेरा सर फोड़ डाला, मेरा दम निकला जा रहा, मैं मरी जा रही हूँ। हाय मैं मर गई, हाय। ये लड़की, तुमने इसे क्यों मारा है? इसने मुझे पहले मारा है। ये देखिए डंडा, इसने मुझे गालियाँ दी हैं, मेरे बाल नोचे हैं। ये देखिए पत्थर, मैं खामोश खड़ी थी कि इसने मुझे लहूलुहान कर दिया। मैं मर रही हूँ, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर चुकी हूँ, हाय हाय। इसे अस्पताल ले जाओ फौरन। इस फसाद की जड़ ये शैतान लड़की है सरकार। ये झूठ बोलता है जमादार साहब, ये सब लोग मेरे दुश्मन है। हट जाओ। हवलदार, इस लड़की को ले जाकर हवालात में बंद कर दो, बहुत चालाक मालूम होती है। खबरदार भागने न पाए। मगर सुनिए तो। खामोश। तुम मुझे कहाँ ले जाते हो? कोतवाल साहब के पास। कोतवाल? नहीं नहीं, वो मुझे जेल में डाल देगा। मैं पिंजरे में बंद होना नहीं चाहती, और ना ही मेरे पास जुर्माना भरने के लिए पैसे हैं। यकीन करो मैं बेहद शरीफ लड़की हूँ। अच्छी सुनते हो? सुन रहे हो हवालदार साहब? हवालदार साहब, क्या हुआ? इसने मुझे छेड़ा है। मैं सीधी तरह चल रही थी, इस बदमाश ने मुझे छेड़ा है। झूठ बोलती है हजूर, मैंने इसे छुआ तक नहीं। चुप रहो, तुम इसके साथ चलो। अब इसने मुझे छेड़ा है, क्या मुसीबत है? एक शरीफ लड़की की इज्जत बचा। मैंने कुछ नहीं किया सरकार। बदतमीज, तुम मेरे साथ चलो। तुम बड़े अच्छे हो, अब मुझे कोई खतरा नहीं। वीरान सड़क है, भाग जाने का मौका दो। मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। रात को 8 बजे वाली मुलाकात का भी ख्याल करो। अगर मैं कैद हो गई तो वो जश्न किस तरह देखोगे? मेरा गाना कैसे सुनोगे? मेरा नाच कैसे देखोगे? मैं बड़ा खूबसूरत नाचती हूँ, देखो मेरे पैर। ठहरो ठहरो, शायद मेरे पैर में मोच आ गई है, पहले मुझे सहारा दो। हाँप रही हो? क्या बात है? बाल बाल बच गई हूँ, वरना जेल की चक्की होती और मैं। क्या मुसीबत है? हवालदार प्रीतम ने अपनी ड्यूटी से गाफिल होकर एक मुजरमा को भाग जाने का मौका दिया है और बहाना बनाकर कानून की निगाह में धूल झोंकी है। हमारी निगाह में मुजरिम की मदद करने वाला मुजरिम से ज्यादा कसूरवार है। ऐसा कसूर करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हवलदार प्रीतम, तुम एक शरीफ बहादुर और ईमानदार सिपाही हो, इसलिए तुम्हारे पहले कसूर पर तुम्हें सिर्फ 30 दिन दलील की सजा दी जाती है। उम्मीद है कि आइंदा तुम ऐसा कसूर न करोगे और अपनी ड्यूटी से कभी गाफिल न रहोगे। डिसमिस। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।
गिन गिन तारे, गिन गिन तारे, मैं हार गई रात को, गिन गिन तारे, मैं हार गई रात को, हाय मेरे सैया ना आए मुलाकात को, गिन गिन तारे, मैं हार गई रात को, हाय मेरे सैया ना आए मुलाकात को, गिन गिन तारे। चंदाज भी चुप चुप थे सुन के मेरी बात को, गिन गिन तारे, गिन गिन तारे, मैं हार गई रात को, हाय मेरे सैया ना आए मुलाकात को, गिन गिन तारे। किसी और से प्यार हो सकता है वो मेरे लिए बेकरार हो। हो सकता है वो जरा देर से आया हो सकता है उसने मुझे बेवकूफ बनाया हो। हो सकता है वो डर गया हो सकता है वो मर गया हो। आधी रात अभी सोने भी देगी। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखना होता है क्या। हाँ
नहीं छोकरी, नीचे उतरो। ओ तुम दरख्त पर चढ़ी कोतवाली के अंदर क्या झांक रही? मैं, मेरी बकरी खो गई है, उसे ढूंढ रही हूँ। बकरी खो गई है या बकरा? ऐ, तो क्या तुमने उसे देखा है? जी हाँ, मगर अब वो तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? सूबेदार साहब ने उसकी टांगे बांधकर जंगले में बंद कर दिया है। अब क्या होगा? होना क्या है, कल सूबेदार साहब के घर सालगिरह का जश्न, वहाँ उसके शामी कबाब बनाए जाएंगे। शामी कबाब? मैं जाती हूँ। ठहरो। किसी की जान पर बनी है और तुम्हें दिल लगी सूझी है? दिल लगी नहीं, सच कह रहा हूँ जनाबा। आपसे इश्क फरमाने की बदौलत गरीब को 30 दिन की दलील हुई है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें भगा देने के जुर्म में वो खुद सजा भुगत रहा है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल बेकसूर है, सजा मुझे मिलनी चाहिए, नहीं उसे चकमा देकर भागी थी। ठीक है, मगर चोर की मदद करने वाला चोर से ज्यादा मुजरिम होता है। बेचारे की नौकरी और इज्जत दोनों खतरे में। मोती, तुम मुझे गिरफ्तार कर लो, मगर एक बेगुनाह की सजा माफ करवा दो। मेरे कहने पर अमल करोगी? करूंगी। कल की तरह फिर तो मुझे चकमा नहीं दोगी? नहीं। प्रीतम से कहना पड़ेगा कि हमारे रास्ते से हट जाए। अगर वो ना हटा तो मैं हट जाऊंगी। हाँ? शाबाश, ये कही मतलब की। समझ लो कल से वो आजाद है। मगर कैसे? कोतवाल साहब मेरी मुट्ठी में है, जो चाहूं करा सकता हूँ। जानती हो, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट भी निकला हुआ है। डरने की जरूरत नहीं, मेरे होते तो मैं कोई हाथ नहीं लगा सकता। आओ चले। तुम कौन? मेरा नाम मोती है, मैं हवालदार हूं। मगर यहाँ किस लिए आए हो? शरबत पीने। शरबत पीने। अभी लाते हैं। तुम्हारा मखमली जिस्म किस कदर मुलायम है। कमीने बदमाश, तूने मुझे क्या समझ रखा है? निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ। चला गया? और ये शरबत? मैंने पिला दिया है, लुच्चा कहीं का। हम दर बन कर आया था, बड़ा आया छुड़ाने वाला। किसे छुड़ाना है, कुछ मुझे भी तो बताओ। क्या बताऊं? जिस शरीफ आदमी ने मुझे भाग जाने का मौका दिया था, मेरी खातिर सजा भुगत रहा है। सजा भुगत रहा है, ये तो बहुत बुरा हुआ। कसूर मेरा था। सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। मैं उसे छुड़वाऊंगी, मैं उसे छुड़वा कर ही दम लूंगी। मगर कैसे छुड़वाओगी? कल सूबेदार साहब की सालगिरह का जश्न है, मैं वहां नाचूंगी, गाऊंगी, अपनी जान पर खेलकर भी उस बेगुनाह की सजा माफ करवाऊंगी। Thank you.
जब नैन मिले नैनों से और दिल पे रहे ना काबू तो समझो चल गया प्यार का जादू। लरलू 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 लरलू। दिल हाय किसी के दिल से जब भूख उठे दिल धड़के और आंख से टपके आंसू तो समझ चल गया प्यार का जादू। लरलू 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 की आंखों में धूल झोंक कर भागने वाले मुजरिम को 6 महीने की जेल और 101 कोड़ों की सजा मिलती है। बंद कर दो कमरे में। आज गुलाम उस चालाक लड़की को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गया सरकार, जो पुलिस को चकमा देकर भागी थी। और ये वही लड़की है सरकार जिसने अभी अभी हुजूर की महफिल में गाना सुनाया। शाबाश बहादुर, तुम बड़े होशियार और ईमानदार हो। हम तुम्हें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अच्छी तरह अदा करने का इनाम देंगे। तुम लोगों की लापरवाही और गफलत से शहर का अमन खतरे में पड़ गया है। चोर उचक्कों की हिम्मत बढ़ती जाती है। अगर वो लड़की नाचने गाने के लिए खुद यहां ना आई होती तो शायद तुम लोग उसे जिंदगी भर गिरफ्तार ना कर पाते। दरवाजा खोलो, लड़की पुलिस को धोखा देकर भागने की सजा जानती है? जानती हूँ सरकार, इसलिए मैं अपने आप को सरकार के हवाले करने आई हूँ। कसूर मेरा था, सजा कोई और भुगत रहा है। मेरी पीठ पर कोड़े मारी है, मगर एक बेगुनाह को जरूर माफ कर दीजिए। हवलदार प्रीतम से तेरा क्या वास्ता है? प्रीतम कुछ नहीं सरकार, कुछ भी तो नहीं। तो फिर उसने तुझे भागने का मौका क्यों दिया? सच सच बता। सच तो ये है सरकार, अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसे धक्का दिया था, वो गिर पड़ा और मैं भाग गई। बाद में सोचा वो
पुलिस को धोखा देना जुर्म है, सो यहाँ चली आई। लीजिए मुझे हथकड़ी पहना दीजिए, जेल में बंद कर दीजिए मुझे, मेरे गुनाहों की सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। नहीं, तुझे कुछ और मिलना चाहिए। फांसी? हाँ फांसी लीजिए मुझे, 6 महीने की फांसी, और दुनिया वालों को दिखा दीजिए कि इंसाफ इसे कहते हैं। हम एक बहादुर और ईमानदार लड़की के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने हमें मजबूर कर दिया कि हम तुम्हारा एक कसूर माफ कर दें। हवलदार प्रीतम की सजा भी माफ कर दी जाएगी। सरकार का दुना इकबाल हो, आप सचमुच नेकी का फरिश्ता हैं। अब मैं जा सकती हूँ? नहीं नहीं, मगर सरकार ने तो मुझे माफ कर दिया है। माफ तो कर दिया है, मगर इनाम नहीं दिया। इनाम? कैसा इनाम? तुमने हमारी महफिल का रंग जमाया था, हम तुम्हें खाली हाथ न जाने देंगे। ये रहा तुम्हारा इनाम। इतने रुपए? 2-4 गाने और सुना दूं? नहीं, अब तुम जा सकती हो। शुक्रिया सरकार, शुक्रिया। पूरे 50 कोड़े पड़ेंगे हुजूर। पूरे 100। तो यहाँ क्या करने आई थी? नाचने गाने, सूबेदार साहब का दिल बहलाने। सूबेदार साहब का दिल बहलाने? मैं 2 दिन से तेरी खातिर एक मामूली सिपाही की तरह सजा भुगत रहा हूँ, और तू रंगलियां मनाती फिरती है। बांके सिपाही, मोहब्बत करना बच्चों का खेल नहीं। तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मेरी इज्जत तक बिक गई। गुस्से में तुम कितने प्यारे मालूम होते हो। कह जाओ कह जाओ, चले जाओ यहाँ से। बहुत अच्छा, अब ये बताओ मुलाकात कब होगी? क्यों, कोई नया जाल फैलाया है? आज रात फिर हमारे मोहल्ले में नाच गाने का जश्न है, फुर्सत पाते ही चले आना। अब तेरा जादू नहीं चल सकता, मैं नहीं आऊंगा। कैसे नहीं आओगे? जज्बाए इश्क सलामत है तो हम देखेंगे, कच्चे धागे से बंधी आएगी सरकार मेरी। बुढ़िया वाह, खूब पकाती हो। 6 महीने के बाद खाने का स्वाद आया। जेल की रोटियां चबाते चबाते तो दांत भी ढीले पड़ गए हैं अपने। थोड़ा सालन, थोड़ी रोटी, थोड़ी सब्जी तरकारी तो और दी होती। 180 दिन का भूखा हूं। तुम लोग जेल में चले जाते हो तो बठियार खाना सूना पड़ जाता है मेरा। राहु क्यों नहीं आया? राहु को भी 6 महीने की सजा और भुगतना है, जुर्माना भर दे तो आज छूट सकता है। जुर्माना? राहु का जुर्माना तो सुंदरी को जरूर भर देना चाहिए, आखिर वो उसका मंगेतर है। सुंदरी उसे मंगेतर समझे जब ना। कुछ भी है मगर हमें अपने सरदार को जरूर छुड़ाना है। सुंदरी सूबेदार साहब के घर नाचने गई है, इनाम में मोटी रकम लाने वाली है। ये बात है? तो फिर आने दो उसे। ओहो, तो ये चंदा चौकड़ी जेल तोड़ कर आई है। भाग जाओ, वरना पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। हम लोग सजा भुगत कर आए हैं। रुपए निकालो, राहु का जुर्माना अदा करना है। सड़ने दो उस कुत्ते को जेल में। कुत्ता? हमारा सरदार कुत्ता? मत भूलो कि वो तुम्हारा मंगेतर है। मुझे चोर उचक्कों से कोई वास्ता नहीं, हट जा मेरे रास्ते। सीधी तरह रकम ढीली कर दो। मुझे किसी के बाद का कर्जा नहीं चुकाना है।
तुझे नुकसान होगा। एक बार फिर सोच ले, राहु हमारा सरदार है। लो जी, सिर्फ 10 रुपए? जुर्माना 100 रुपए अदा करना है। तू सूबेदार के घर से मोटी रकम लेकर आई है। बिल्ली को छिछड़ो के ख्वाब, छोड़ दो मुझे। हवलदार प्रीतम, हमें अफसोस है कि गलत रिपोर्ट के सबक तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई। आज मुजरिमा के बयान से मालूम हुआ कि तुम बिल्कुल बेकसूर थे। हम तुम्हारी सजा माफ करते हैं और तुम्हें बाइज्जत अपनी ड्यूटी पर वापस जाने की इजाजत देते हैं। ताश के पत्तों को देखकर बता कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। कामयाबी, खुशियां, दौलत, मोहब्बत। मालूम होता है राहु तुझसे शादी करने के बाद एक मालदार आदमी बनने वाला है। फिर से देख, मेरा ख्याल है शादी के बदले उस बदमाश को फांसी होने वाली है। फांसी? नहीं नहीं, राहु को फांसी नहीं हो सकती। ये क्या मोहब्बत? अजनबी से मोहब्बत? कामयाब नहीं हो सकती ये मोहब्बत, तुझे रास ना आएगी। अगर तू राहु को छोड़कर किसी अजनबी से मोहब्बत करेगी तो एक दिन उसी के हाथों मारी जाएगी। बस रहने दे अपना नजूम, मुझे न तेरी बातों पर यकीन है न ताश के पत्तों पर। ताश के पत्ते कभी झूठ नहीं बोलते, ये वो कहते हैं जो किस्मत में लिखा हो, और किस्मत में वही लिखा होता है जो ये कहते हैं तू मोहब्बत में फना हो जाएगी। मोहब्बत में फना हो जाने का नाम ही जिंदगी है, और ये जिंदगी किस्मत वाले को नसीब होती है। किस कदर सुहानी रात है। आओ चौक में चले, मोहब्बत की तरंग में आज मैं रात भर नाचूंगी। मारे अखियां, कचक 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 मारे।
संभल कर कदम उठाना, अंधेरा है। तुम मुझे कहाँ ले जाते हो? स्वर्ग में। चले आओ, चले आओ, चले आओ। ये मेरा स्वर्ग है, मगर इस स्वर्ग में रहने का मुझे भाड़ा देना पड़ता है। मकान की मालकन बड़ी कंजूस है, मगर मेरी बड़ी देखभाल करती है। खुशी की बात है, अब मैं जा सकता हूँ? इतनी जल्दी? मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, कोई देख लेगा तुम उतनी बदनाम हो जाओगी। बदनाम? मैं बदनामी से नहीं डरती, और तुम्हें भी यह खौफ दिल से निकाल देना चाहिए। कोट उतार दो, टोपी मेरे हवाले कर दो, और इसे भी रख दो। मोहब्बत का मैदान तलवार से नहीं, प्यार से जीता जाता है। मेरी खातिर तुम मुजरिम बनी, सजा भुगती, तकलीफ उठाई, मैं तुम्हारी एहसान मंद हूं। तुम वो अनमोल हीरा हो जिसके लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं। सुंदरी, तुम मेरी आंखों में समा गई हो, और तुम मेरी नस नस में। मेरी मुराद पूरी हो गई। मुराद? कैसी मुराद? मैंने भगवान से तुम्हें मांगा था, वादा करो कि तुम मेरे हो। यही वादा मैं तुमसे लेना चाहता हूं। सच? सच लिया वादा, लाज रखना। भरोसा रखो, मैं इस दुनिया में अकेली थी, बिल्कुल अकेली। मुझे एक साथी की जरूरत थी, वो मिल गया। मगर तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगे। तुम्हारा जादू कामयाब रहा, मैंने तुम्हें हर चंद भूल जाने की कोशिश की, मगर न भूल सका। और भूल भी कैसे सकता हूँ, मासूम अदाएं, चंचल निगाहें, अलबेली जवानी, रूप जैसे कमल का फूल। मैं आकाश की उस अप्सरा की तारीफ कर रहा हूँ जिसे मैं दिन रात अपने सपनों में देखा करता हूँ। सुंदरी, तुम सचमुच सुंदर हो। प्रीतम, तुम सचमुच प्रीतम हो। ये क्या हुआ? मेरी माला, मेरे दाने। माला का टूट जाना बड़ झुकनी है प्रीतम, हम लोग इसे मनहूस समझते हैं। मनहूस? नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम है सुंदरी। वहम नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। तुम नहीं जानते प्रीतम, आज काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा था, ताश के पत्ते ने भी यही बताया था, और माला का टूट जाना तो कयामत है, कयामत। कयामत? ये तुम क्या कह रही हो? अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती, अब मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। तुम्हें सुंदरी को भूल जाना ही पड़ेगा। तुम चले जाओ, चले जाओ फौरन। मैं अपनी किस्मत आजमाना नहीं चाहती। होश में आओ सुंदरी, ये सब फजूल की बातें हैं। टूटी हुई माला फिर से बनाई जा सकती है? टूटी हुई किस्मत फिर से नहीं बनाई जा सकती, ये बशकुनी मेरी जान लेकर रहेगी। तुम चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। अजीब बात है, बदगुमानी ना करो सुंदरी। तुम्हारी मोहब्बत मुझे रास नहीं आ सकती, तुम एक दिन हैवान बनकर मेरा गला घोटोगे। मैं तुम्हारे हाथ से मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे हाथ से मरना नहीं चाहती। अपने वहम का इलाज करो सुंदरी, तुम दीवानी हो गई हो। यही समझकर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और चले जाओ। सुना नहीं, सुनाई नहीं देता? बहरे हो, अंधे हो, लंगड़े हो, क्या हो? मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर हरगिज न जाऊंगा। तुम्हें जाना ही पड़ेगा, ये घर मेरा है। ऐसा न कहो सुंदरी, मैं अपने कातिल को अपने घर में देखना नहीं चाहती। चले जाओ, चले जाओ। चले आओ प्रीतम, वापस चले आओ। ओह,
तो ये मोहब्बत सातवें आसमान तक पहुंच चुकी है। मुझे माफ कर दो प्रीतम, मैं पागल हो गई थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। सुंदरी, सुंदरी आज से तुम्हारी है और मरते दम तक तुम्हारी रहे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता और अब मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हें हर किस्म का खौफ दिल से निकाल देना चाहिए। किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। आज से मैं तुम्हारे चरणों की धूल को अपनी मांग का सिंदूर समझूंगी। और मैं भी तुम्हें अपना ईमान समझूंगा। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी रूह हो, मेरी जिंदगी हो। ओहो, तो आप यहां विराजमान हैं। आखिर मोहब्बत का भांडा फूटा, अब आप इनकार नहीं कर सकते। तुम यहां किस लिए आए हो? मैं हुजूर की गिरफ्तारी का वारंट लेकर आया हूं। वारंट? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। आधी रात के वक्त ड्यूटी से गायब रहकर गुलछर्रे उड़ाना जुर्म नहीं था और क्या है हुजूर? कल सूबेदार साहब तुम्हारा कोर्ट मार्शल करेंगे। ये झूठी धमकियां मेरे घर में नहीं चल सकती, निकल जाए यहां से। तुम्हारी कसम, गुस्से में तुम और भी खूबसूरत मालूम होती हो। मोती, जबान संभाल कर बात करो। सुंदरी मेरी होने वाली बीवी है। बीवी है? क्यों जी, ये सच है? कमीने कुत्ते, तू सीधी तरह जाएगा या नहीं? नाराज हो गए, गुस्ताखी माफ। लीजिए हुजूर, संभालिए अपनी तलवार, मगर जाने से पहले इस छोटी सी भूल की छोटी सी सजा देना भी जरूरी समझता हूं। मैं सुंदरी के घर में तुझसे रहना नहीं चाहता, होश से काम ले। शरीफ ज्यादा बदनामी से डर रहा है, इश्क फरमाते हुए डर नहीं लगा। छोटी सी भूल की छोटी सी सजा। छोटी सी सजा। मुझे तेरी बेबसी पर तरस आता है। एक छोटे से अफसर को छोटी सी भूल की छोटी सी सजा। ने मुझे जबरदस्ती कातिल बना दिया। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल बेकसूर हो, तुम बिल्कुल बेकसूर हो। क्या सोच रहे हो? मैं पूछती हूं, किस ख्याल में डूबे हुए हो? सोच रहा हूं कि मैं क्या था और क्या बन गया। तुम एक सुंदर सपना था, मगर अब हकीकत बनकर मेरे जीवन पर छा गए हो। आ, मैं तुम्हें कानून की नजरों से बचाकर बहुत दूर ले आई हूं।
ये वो जगह है जहां हम पहाड़ी लोग जान बचाने के लिए पनाह लेते हैं। और आज मैं भी इस पहाड़ के दामन में पनाह लेने के लिए मजबूर हो गया हूँ। तकदीर के चक्कर ने एक बेगुनाह को कातिल बना दिया है। पुरानी बातों को भूल जाने की कोशिश करो प्रीतम, नई जिंदगी का ख्याल करो। तुम औरत हो, सिपाही की आन को ना समझ सकोगी। ये आन का नहीं, मोहब्बत का जमाना है। उठो। प्यार की हो गई जीत, बलम हम तेरे हो गए। हम तुझसे लगा कर प्रीत नई दुनिया में खो गए। बलम हम तेरे हो गए, लो प्यार की हो गई जीत, बलम हम तेरे हो गए। हम तुझसे लगा कर प्रीत नई दुनिया में खो गए। बलम हम तेरे हो गए, वो जादू अपना बना के छोड़ा। मेरे दिल में खुशी का रंग, होठों पे खुशी के गीत। मेरे दिल में खुशी का रंग, होठों पे खुशी के गीत। हो लो प्यार की हो गई जीत, लो प्यार की हो गई जीत, लो प्यार की हो गई जीत। बलम हम तेरे हो गए, हम तुझसे लगा कर प्रीत नई दुनिया में खो गए। बलम हम तेरे हो गए, बड़ी सुहानी। हो रहे मिल के सदा हम तुम, यूं ही जाए उमरिया भी। रहे मिल के सदा हम तुम, यूं ही जाए उमरिया भी। तो हो लो प्यार की हो गई जीत, लो प्यार की हो बलम हम तेरे हो गए। हम तुझसे लगा कर प्रीत नई दुनिया में खो गए। बलम हम तेरे हो गए। पुलिस? पुलिस नहीं नहीं, पुलिस नहीं हो सकती। तो ये चंडा चौकड़ी यहां भी आन पहुंची? जी हां, तुम्हारी मेहरबानियां हम भले आदमियों को कब चैन से बैठने देंगी। कत्ल तुम्हारे घर में हुआ, मुसीबत हमारे गले पड़ गई, जान बचाकर भागे हैं। ये कौन? ये मेरा मेहमान है, इसने मेरी जान बचाई थी। इसका नाम प्रीतम है। प्रीतम? चुप रहो,
ये मंगू है, ये रंगू है, ये आबू है और इसका नाम है केतु, चालाक और खतरनाक केतु। मैं सूरत देखकर पहचान सकता हूं कि हवलदार का कातिल कौन है और खुशबू सूंघकर बता सकता हूं कि चूहले पर क्या पक रहा है। तेरा सर। वही सही, जल्दी निकालो, मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है, वैसे मैं इनके बाप की लौंडी हूं। संभाल अपना हिस्सा और हट यहां से। और मैं लो और मेरे पास बैठ कर खाओ। उधर दी, मुझे तो कुछ दाल में काला काला नजर आता है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, कमबख्त पीछा ही नहीं छोड़ती। कल हम दोनों कहीं और चले जाएंगे। ठीक है, मैं इन बदमाशों के साथ ना रह सकूंगा। ये कैसी आवाज थी राहू? राहू की आवाज थी। बड़ा जालिम है, बड़ा जल्लाद। ये हमारे कबीले का सरदार है मगर एकदम जंगली। सब्र से काम लेना मेरी खातर, तुम्हें मेरी कसम, किसी बात का बुरा न मानना। सरदार, तुम आ गए सरदार। हम लोग तो समझे थे पुलिस ने फिर तुम्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार? राहू एक आजाद शेर है, पिंजरे से निकलने के बाद हाथ नहीं आता। सुंदरी, मेरी खूबसूरत कबूतरी, तू यहां? आज मैं कितना खुश हूं। छोड़ दो मुझे। जवानी कसम, मैं जेल खाने में भी तेरे ख्वाब देखा करता था। तू दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। आहा, मैं जानता हूं तू मेरे लिए बेचैन थी। चल मेरे पहलू में बैठ। ये अजनबी कौन? ये एक बहादुर जवान, कल रात इसने एक हवलदार को कत्ल कर डाला। खूब खूब शाबाश। क्या नाम है इसका? प्रीतम। नाम तो अच्छा है और शक्ल सूरत भी अच्छी है। क्यों भाई, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। अरे ये तो मुझे इस तरह देख रहा है जैसे कि अभी खा जाएगा, क्या बात है? नाय नाय, शेर को पसंद करने वाली सुंदरी गीदड़ से प्यार नहीं कर सकती। बड़ी शोक हो जाली। हैरान होने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारी सुंदरी का मंगेतर है। मंगेतर? जान प्यारी है तो इससे उलझने की कोशिश न करना, ये दूसरे की जिंदगी को खेल समझता है। इस तरह न ठुकराओ प्रीतम, एक बार, सिर्फ एक बार इन आंखों में आंखें डालकर देख लो, मेरी आंखों में तुम्हें सच्ची मोहब्बत की तस्वीर नजर आएगी। एक पहाड़ी लड़की सच्ची मोहब्बत को क्या समझे? पत्थरों में रहकर तुम्हारा दिल पत्थर बन गया है। इस दिल की हकीकत देखना है तो इसे चीर कर देखो। खून का एक एक कतरा तुम पर निछार होने के लिए बेताब है। बेताब है? राहू ने मेरी आंखों के सामने तुझे सीने से लगाया, अपने पहलू में बिठाकर तुझसे प्यार किया और मैं खून के घूंट पीकर रह गया। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी सलामती के खातिर बर्दाश्त किया था प्रीतम। राहू को हर चीज जबरदस्ती हासिल करने की आदत है। मैंने उसे कभी मोहब्बत नहीं की, मैं उसे मोहब्बत के काबिल ही नहीं समझती। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा तुम्हारी खातिर। कोई आ रहा है,
मैं जाती हूँ। हम अपने मेहमान को गायब पाकर परेशान थे और वो यहां मौजूद है। बड़ी छुप छुप कर बातें हो रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि तू चोरों के माल पर डाका डालने आया है। जबान संभाल कर बात करना। ओफो, एक तो चोरी उस पर सीना जोरी, बहरूपी आंखें दिखाता है। ज्यादा बकवास की तो खंजर सीने के पार कर दूंगा। ये हिम्मत राहु को हलाक करने वाला छुरी चाकू अभी तक तैयार नहीं हुआ। तुझे इस गुस्ताखी का मजा चखना पड़ेगा। सरदार, मारने के बदले इसे गिरफ्तार करा दो, 500 रुपये इनाम निकला हुआ है। जा, माफ कर दिया, केतु ने तेरी सिफारिश की है। सिफारिश की है? बुजुर्ग कमीने, रोक मेरा वार। आ, 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 आ। एक बहादुर निहत्ते पर वार नहीं करता। मैंने खंजर रख लिया है, तुम्हें भी रख लेना चाहिए। दरअसल तुम हमारे मेहमान हो और हम लोग मेहमान पर हाथ नहीं उठाते। मौजड़ा। सुंदरी, सच सच बता, तेरा उस अजनबी से क्या वास्ता है? वास्ता? मेरा क्या वास्ता हो सकता? वो तेरा आशिक है। मेरा आशिक? सर फिर गया है तुम्हारा, पागल हो गए। अगर वो तेरा कुछ नहीं लगता तो इसका सबूत देना पड़ेगा। हाँ हाँ, बोलो क्या सबूत चाहिए? उसके गिरफ्तारी का इनाम निकला हुआ है, 500 रुपया। तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें रुपया चाहिए? पुलिस को बुलवा और पकड़वा दो। पुलिस को बुलाने जाएंगे तो हम लोग खुद गिरफ्तार हो जाएंगे। इस काम के लिए तुझे खुद शहर जाना होगा। जिस तरह तुझे जान प्यारी है, मुझे भी प्यारी है। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें तो सिर्फ प्रेम नगर में खतरा है और हमारे लिए हर तरफ खतरा है। पूरब नहीं तो पश्चिम जा सकती हो। हर शहर में उसकी गिरफ्तारी का इनाम निकला हुआ है। मैं चांद नगर जा सकती हूँ, मगर। मगर क्या? पुलिस यहाँ आएगी तो तुम सबको भी गिरफ्तार कर लेगी। हम लोग तेरे साथ शहर चलेंगे और शहर से बाहर खंडरात में इंतजार करेंगे। बहुत अच्छा, तुम लोग चलने की तैयारी करो, मैं उसे दिलासा देकर आती हूँ। पुलिस के आने से पहले भाग गया तो 500 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जल्दी आना, चलो तैयार हो जाओ। ये लोग किसी खौफनाक इरादे से कूच करने लगे हैं और मुझे इनकी चाल को बेकार करने के लिए इनके साथ जाना पड़ेगा। मौका पाते ही चली आऊंगी। वादा करो कि तुम इसी जगह मेरा इंतजार करोगे। मैं और जा भी कहां सकता हूं, तब भी इनने पांव में बेड़ियां डाल दी। सुंदरी, कहां भाग गई तू? आती हूं। कमबख्त को शक हो गया है। खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी है। मर जाने दो मुझे, मेरा मर जाना ही अच्छा है। ऐसा न कहो प्रीतम, मेरे प्यारे, मुझ पर भरोसा रखो। मैं सब कुछ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। ये लोग तुम्हें मुझसे छीनकर पुलिस के हवाले कर देना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा न होने दूंगी। मैं इनके इस इरादे को नाकाम बनाकर छोड़ूंगी। आ रही हूँ। आती हूँ। जाती हूँ, तुम्हें मेरी कसम, इंतजार करना। लो। सुख गई? क्या कर रही थी? समझा रही थी, मैंने सब ठीक कर दिया है। चल, देर हो रही है। Thank you.
सागर से निकली मोती के बदले रेत अब पछताए क्या होए जब चिड़ियां चुक गई खेत ओ एक झूठ है जिसका दुनिया ने रखा है मोहब्बत नाम अरे रखा है मोहब्बत नाम धोखा है जिसे कहते हैं वफा बस देख लिया अंजाम अरे बस देख लिया अंजाम पानी सी नजर पत्थर सज गए बेदर्द तुझे पहचान गए पानी सी नजर पत्थर सज गए दर्द तुझे पहचान गए हम प्यार की नगरी में आकर दस्तूर यहाँ के जान गए मिलती है खुशी दम भर के लिए रोने को है सुबह शाम रोने को है सुबह शाम है बस देख लिया अंजाम ना पूछ हुआ जो हाल मेरा एक तेरी नजर के धोखे से ना पूछ हुआ जो हाल मेरा एक तेरी नजर के धोखे से जैसे कोई जलता दीप बुझे बस एक हवा के झोंके से दिल दे के हमें दिल दे के हमें कुछ भी न मिला बेकार हुए बदनाम बेकार हुए बदनाम है बस देख लिया अंजाम लोग इससे आगे नहीं जा सकते बाकी काम तुम्हें करना होगा और जिस कदर जल्द हो सके इनाम का रुपया लेकर वापस आना होगा बहुत अच्छा मेरी सरकार अब ये घोड़ा मेरे हवाले कर दो और बैठ कर ठंडी ठंडी हवा खाओ समझ लो कि रुपया तुम्हारी जेब में आ गया आज मैं उसे पकड़वा कर ही दम लूंगी तुम बड़ी वफादार अजी तुम बड़े खूबसूरत होने को है मगर सुंदरी रुपया लेकर नहीं आई कहीं वो हमें धोखा देकर तो नहीं चली गई सरदार धोखा
वो मेरे गुस्से को भी अच्छी तरह जानती है। पत्ते बांटो। रात हो गई, आखिर कब तक इंतजार करेंगे? मेरी मानो तो वापस चलो सरदार। तुम लोग थोड़ी देर और इंतजार करो, मैं वहां जाता हूं। अगर उसने हमें बेवकूफ बनाया है तो मैं इन दोनों को जान से मार डालूंगा। मोहब्बत एक सुनहरी जाल है, औरत धोखा है, फरेब है, तबाही है। औरत मोहब्बत है, वफा है, सच्चाई है। मैं आ गई, मैं आ गई। सुंदरी, उम्मीद का तारा डूबने वाला था कि चांद निकल आया। मेरे चांद, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। बातों में वक्त बर्बाद न करो, हमें दिन निकलने से पहले सरहद को पार करना है। चलो जल्दी चलो। ओ, ओ, तो मेरी कबूतरी उड़ने की तैयारी कर रही है। केतु की बात सच्ची निकली। इस गरीब की जान बख्श दो, इस गरीब की जान बख्श दो। जरूर बख्शूंगा। अलग हट। पहले मैं अपने मेहमान की सेवा तो कर लूं। है? ये क्या?
करदार का खून। तुम सचमुच बड़े बहादुर हो, तुम सचमुच बड़े बहादुर हो सरदार। सरदार Thank you.
बदन पर कपड़ा सलामत है न पेट भर खाना। प्रीतम को सरदार बनाकर तो हम लोगों ने मुसीबत में जान डाली है। नई शादी है, नया जोश, उसे रंगरलियों से फुर्सत मिले जब ना। ना लूट मार करता है न करने देता है। जब तक हम लोग डाका डाला करते थे, मौज उड़ाते थे, नेक बने तो भूखे मरने लगे, पेट पर पत्थर बांध कर कब तक जिएंगे। तो बगावत करो, शरीफ और लुटेरे में ना कभी बनी है न बन सकती है। भाड़ में गया सरदार और सरदार की नसीहत, अपना तो वही धंधा ठीक है। क्या है? इन बदमाशों ने तुम्हारे खिलाफ बगावत करने का फैसला किया है। बगावत? अब भलाई इसी में है कि इन्हें इनकी मर्जी पर छोड़ दो। मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ मगर तुम नहीं मानते। मैं चोरी डाका जनी लूट मार को गुनाह समझता हूँ। अगर उन लोगों ने मुझे अपना सरदार माना है तो मेरा हुक्म भी मानना पड़ेगा। मगर तुम भेड़ियों को इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हो, इन्हें दुश्मन बनाकर मैं तुम्हारी जान खतरे में पड़ते नहीं देख सकती। और मैं भी इंसान इनका खून होते नहीं देख सकता। इन्हें मेरे बताए हुए सुने पर चलना ही पड़ेगा। मैं इसकी सजा देना भी जानता हूँ। रुक जा प्रीतम, मैं तुम्हें जल्दी आग में न सूखने दूंगी। हट जाओ। जान की सलामती चाहते हो तो तमाम कीमती सामान हमारे हवाले कर दो, जल्दी निकालो। रास्ता चलते मुसाफिरों को लूटने का मजा ऐसा चखाऊंगा कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। वापस करो सामान। आप लोगों को बिला वजह तकलीफ हुई, अब आप बेखट के जा सकते हैं। सौ बार समझाया है, कत्ल खून जुर्म है, चोरी करना पाप है, टाका डालना गुनाह है, मगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। सरदार बने हो तो हमें खाना दो, कपड़ा दो, पेट पर पत्थर बांध कर हम तुम्हारा हुक्म नहीं मान सकते। क्या कहा? बिल्कुल ठीक कहा। तुम इन पर हाथ नहीं उठा सकते। इसलिए तो तुम इनकी मददगार बनकर आई हो? इसलिए कि तुम इन पर जुल्म कर रहे हो। ये मेरे कबीले के लोग हैं। कबीले के लोग हैं? हट जाओ सामने से। नहीं हटूंगी। सुंदरी एक पहाड़ी लड़की है और पहाड़ी लोग हमेशा मनमानी करते हैं। तुम्हारी मनमानी मेरे सामने नहीं चल सकती। और तुम्हारा हुक्म भी मुझ पर नहीं चल सकता। मैं इनका साथ दूंगी। साथ दोगी? बहुत अच्छा, तो फिर इन्हीं के साथ रहना। कहाँ की तैयारी हो रही है? मैं पूछती हूँ कहाँ जाना चाहते हो? जहन्नुम में। अब मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुमने उन बदमाशों के सामने मेरा अपमान किया है। पागल न बनो प्रीतम, बगावत की आग को ठंडा करने के लिए मुझे चाल चलनी पड़ी थी। तुम खूनी भेड़ियों की आदत को नहीं जानते, ये हमें हर किस्म का नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रीतम इन कुत्तों से नहीं डरता। तो फिर तुम्हें बताओ इस झगड़े का फैसला कैसे होगा? आग पानी का मिलाप नहीं हो सकता। मैं इन चोरों की सोबत से तंग आ गया हूं, मुझे इस जिंदगी से नफरत हो गई है। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा न कहो प्रीतम, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं इस जगह को छोड़कर बस्ती में जाना चाहता हूँ, ऐसी बस्ती में जहाँ इंसानियत का राज हो, जहाँ मैं शराफत की जिंदगी बसर कर सकूँ।
जहां मुझे सुख मिले, शांति मिले, चैन मिले। ऐसी बस्ती के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं प्रीतम। मत भूलो कि तुम पर कत्ल का इल्जाम है। उफ, इस कत्ल के इल्जाम ने मुझे बुद्धू बना दिया है। मैं चोरों की तरह मुंह छुपाए फिरता हूँ। हिम्मत से काम लो। जब तक इन बदमाशों से पीछा नहीं छूटता, तुम इनको खुश रखने की कोशिश करो। यह किस तरह मुमकिन है? मैं लुटेरों को सर पर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं। तुम इनकी चिंता छोड़ दो, मैं कान की बालियां बेचकर उनके खाने पीने का इंतजाम कर दूंगी। ठहरो, ये घड़ी तुम्हारी बालियों से ज्यादा कीमती है। इसे बेचकर तुम 200 रुपया हासिल कर सकती हो। यानी कि लैला मजनू की जोड़ी। क्यों जी? हाँ तो जी। अच्छा जी, कहो चांदनगर में कब आई हो, क्या करती हो, कहाँ रहती हो? पहाड़ों में रहती हूँ, अभी अभी आई हूँ, आज ही वापस जाने का क्या? और वापस जाने की क्या जरूरत है? चल मैं तुझे नौकरी दिलाऊंगी। नौकरी? वही पुराना धंधा, ठुमक ठुमक ठुमक। बहुत बड़ी कंपनी है और बड़ा अच्छा मालिक। मगर अरे तू चल तो सही, चल। आपका नाम है मिस्टर ढोल, कद है लंबा, पेट है गोल, परिस्तान थिएटर के खालिक यानी के हमारे मालिक, मेहरबान भी हैं, कदरदान भी हैं, आलीशान भी हैं, बात के पक्के, कॉल के सच्चे, मिजाज के अच्छे, जुबान भी एक, उसूल भी एक, घया के पूरी 100 खूबियां हैं इनमें, शराफत, लताफत, लियाकत, नजाकत, जरा मुस्कुरा दे तो टल जाए आफत। बन गया काम। आपका नाम? इनका नाम है सुंदरी, यानी कि स्टेज की परी, बिजली की तरह नाचती है, कोयल की तरह कूदती है। तारीफ तो ये है कि मैं तारीफ नहीं कर सकती। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ये घड़ी ले लीजिए और मुझे 400 रुपये दे दीजिए, सख्त जरूरत है। अरे अरे अरे, जब सरकार तुम्हें नौकरी देने के लिए तैयार है तो घड़ी बेचने की क्या जरूरत है? रख लो सरकार, कंपनी के भाग जाग उठेंगे। तुम्हें मंजूर है? जी, मैं नौकरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? झटपट अंगूठा लगवाओ सरकार, आज रात इस शहर के लोग चांद सितारों का नाच देखेंगे। दोपहर से शाम हो गई, न सुंदरी आई न रोटी, और कब तक इंतजार करना पड़ेगा? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। देख रहा हूं।
रात मिलन की बीत चुकी, ये खेल बिगड़ने वाला है। ना भूल के तू इस दुनिया से दम भर में बिछड़ने वाला है। से मर रहे हैं और सुंदरी अब तक गायब है। मेरा ख्याल है उसे बरसात ने रोक लिया होगा। बरसात? वो खुद तूफान है, कहीं रंगरलियों में पड़ गई होगी। लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, देख लिया लेकी करने का अंजाम। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कहां ढूंढूं। अरे मुंह क्या तक रहे हो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस, पुलिस, पुलिस। मगर कुछ बात भी तो बताओ मालिक, आखिर माजरा क्या है? अरे तुम इस मुसीबत को कहां से पकड़ लाए थे? 400 रुपए पेशगी के साथ साथ कंपनी के गहने कपड़े भी लेकर चंपत हो गई है। अब क्या होगा? पुलिस, पुलिस, पुलिस। घबराने की जरूरत नहीं मालिक, उसने कागज पर अंगूठा लगाया है। तुम्हें उस अंगूठे को बैठ कर चूसू, तुम्हें उसे ढूंढ कर लाना पड़ेगा, वरना मैं तुम दोनों को भी गिरफ्तार कराता हूँ। पुलिस, पुलिस, पुलिस। दरअसल वो जरा जल्दी में थी मालिक, रात ज्यादा हो गई थी और उसे दूर जाना था। अरे उसकी जल्दी ने मेरा डब्बा गुल कर दिया है, अब नए खेल में उसकी जगह क्या मैं ला दूंगा। पुलिस, पुलिस, पुलिस। अब किसको? तुम सुंदरी के हथकंडों से वाकिफ नहीं सरदार, उसे नाचना गाना हंसना हंसाना पसंद है। मानो ना मानो, वो जरूर कहीं कुछ छर्रे उड़ा रही होगी। क्या कहा? सच कहता हूं सरदार, मैं उसकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। वो बड़ी आवारा है। कमीने कुत्ते, मैं तेरा सर कुचल दूंगा। बेचारे की नाक तोड़ डाली। अगर तुम्हें हम लोगों से इतनी ही नफरत है तो साफ कह दो। हाँ हाँ नफरत है, तुम लोगों से नफरत है, तुम्हारी जात से नफरत है। आपू, केतू, बबलू, ये रहा तुम्हारा सामान, ये रहे रुपए, खाओ पियो मौज उड़ाओ, अब किसी बात की चिंता नहीं। और ये रही तुम्हारी घड़ी। ये घड़ी
ये लिबास, ये बनाओ सिंहार, कहां थी अब तक बता? प्रीतम, मैं पूछता हूं कहां थी अब तक? शहर में। शहर में आधी रात तक क्या कर रही थी तू? प्रीतम, ये रुपए, ये शानदार लिबास किसने दिया है तुझे? बोल, जवाब दे, बता, जल्दी बता। नहीं बताऊंगी, जा। कैसे नहीं बताएगी जलील औरत, मैं तेरी पसलियां तोड़ दूंगा। प्रीतम, प्रीतम, मुझे गलत मत समझो, मुझे गलत मत समझो, ये रुपए मेहनत की कमाई है। और ये लिबास भी मेहनत की कमाई है। सच बता, किस पर डोले डाले हैं, किस पर जादू चलाया है, किसे बेवकूफ बनाया है? तुम गलत फहमी में पड़ गए हो प्रीतम, मैंने एक जगह नौकरी कर ली है। नौकरी कर ली है? पापन, ये क्यों नहीं कहती कि तू अपना मुंह काला करके आई है? ये क्यों नहीं कहती कि तू मेरी इज्जत बेच कर आई है? ये क्यों नहीं कहती कि ये तेरे पाप की कमाई है? मैं तेरा गला घोंट दूंगा, मैं तेरा गला घोंट दूंगा। तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई तेरी मत को नहीं आ सकता। तेरे छल फरेब का भांडा फूट गया है, तू गुनाह की जीती जागती तस्वीर है। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। कंपनी बंद, पार्टियां गोल, चांद और चकोरी जेल की हवा खाएंगे और मिस्टर ढोल कंपनी के फाटक पर बैठकर पेट बजाएंगे। मजाक छोड़ो और अपनी जान बचाने की तरकीब सोचो। किस मनुष्य का मुंह देखकर उठे थे आज? जो मेरे सामने खड़ी है। अच्छा जी। हाँ जी। और मैंने किस मनुष्य का मुंह देखा था? तुमने उठते ही शीशा देखा था, शीशे में अपना मुंह देखा था। मुंह पर चमगादड़ जैसी गोल गोल आंखें और बंदर जैसी चपटी नाक देखी थी। मेरा गुस्सा। Okay.
गुजारे दिन हमने, रोकर भी गुजर ही जाएंगे। हंस हंस के गुजारे दिन हमने, रोकर भी गुजर ही जाएंगे। ओ, रोकर भी गुजर ही जाएंगे। जीना है वहीं पर जीने के, सामान बदलते रहते हैं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान बदलते रहते हैं। नादान हो बतवाले। लैला की मोहब्बत में मजनू तड़प रहा है। दमादम बाजरे में ढोल, तू अपने घूंघट के पट खोल। वो आया फिट है जिसका झोल, मेरी जान नाच दिखा अनमोल। ये क्या मजाक है, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बकवास है। बकवास नहीं, खुशियाँ मना रहे हैं रसिया। रसिया एक तो मेरा डब्बा गुल कर दिया, ऊपर से धिंगल धिंगल निकल जाओ यहाँ से। बिगोते क्यों हो रसिया, चोर पकड़ा गया है। तेरे रसिया की ऐसी तैसी, अरे साफ साफ क्यों नहीं बकती। मैं बकता हूँ मालिक, सुंदरी को पकड़ लिया है। हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियाँ डाल दी है। कहाँ, किधर, जल्दी बताओ। मेरे 400 रुपए। रुपए तो नहीं मिल सकते मालिक। नहीं मिल सकते? वो थिएटर में नाचने से भी इनकार करती। अरे वो तो क्या, उसकी नानी को भी नाचना पड़ेगा। पेशगी ली है, अंगूठा लगाया है, और तुम दोनों ने उसकी जमानत दी है। चलो फौरन चलो। वो रहा आपका मुझे, अब आप जानिए आपका काम। ऐसे हमारी जिम्मेदारी खत्म क्यों जी? हाँ जी, कितनी बदतमीज है। मालिक सामने खड़ा है और इसे परवाह तक नहीं। अभी करता हूँ ठीक। क्यों नहीं, ये क्या ढोंग है। 400 रुपए नक और कंपनी के गहने कपड़े लेकर रफू चक्कर हो गई। बाप का माल समझा था, सुनती है या बहरी हो गई। अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तुझसे। देखो जी, मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ और इसे ताश की सूझी है। जवाब देती है ये। उसकी बच्ची किधर ध्यान है जी? मैं पूछता हूँ, मेरे रुपए सीधी तरह वापस करती है या नहीं? आपके रुपए वो तो मैं वापस नहीं कर सकती। न रुपए लौटा सकती है, न थिएटर में काम करने के लिए तैयार है। तो फिर कागज पर अंगूठा किस लिए लगाया था जी? अंगूठा मेरी भूल समझी। तो फिर इस भूल की सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जा। शौक से चलाइए गोली और इस नादान दिल का खात्मा ही कर दीजिए। जरूर करूंगा, पूरी 7 गोलियां भर कर लाया हूँ। मैं तैयार हूँ। और मैं भी तैयार हूँ। मालिक जरा दम लो, ये बेचारी अपने होश में नहीं। और मैं भी अपने होश में नहीं। तुम्ही लोगों ने मुझे फंसाया है। इस लड़की से पहले मैं तुम दोनों की जान लेकर छोड़ूंगा। आज मेरे सर पर खून सवार है। समझाती हूँ, अभी समझाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर ठीक न हुआ तो मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। नहीं नहीं नहीं, जरा देखो, जरा दम लो, जरा दम लो। सुंदरी वो रुपए वापस कर दो, तुम्हें मेरी जान की कसम। मैं मजबूर हूँ चकोरी, वो रुपए मेरे पास नहीं। तो फिर कर्जा कैसे चुकाओगी? थिएटर में काम करने के लिए राजी हो जाओ। मुझे नाच गाने से नफरत हो गई है,
मैं थिएटर में काम नहीं करूंगी। क्यों नहीं कर सकती, अभी 6 गोलियां बाकी हैं। मां जाओ सुंदरी, मान भी जाओ, वरना ये विप्रभु बने सबकी जान लेकर छोड़ेगा। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, ये मेरे थिएटर में नाचेगी या नहीं? नाचेगी नाचेगी नाचेगी, जरा इसका मुंह उधर घुमा लो मालिक। सुंदरी जान चकुरी की जान बचा लो, कह दो कि नाचूंगी। नाचूंगी, नाचना ही पड़ेगा। लीजिए हुजूर, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म। चलिए जी, अगर ये कल की तरह फिर भाग गई तो यकीन कीजिए, अब सुंदरी अपना कर्जा चुकाए बगैर हरगिज हरगिज नहीं जाएगी। शीशे में क्या देख रहे हो सरदार, तुम सचमुच बदल चुके हो। औरत की मोहब्बत इंसान को क्या से क्या बना देती है। नौकरी गई, इज्जत गई, घर बार छोड़ा, गरज के सब कुछ छूट गया। और जिसके लिए दुनिया छोड़ी थी वो मुझे छोड़कर चली गई। वाहरी मोहब्बत। तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूं सरदार, तुम्हारी प्यारी बीवी का पता चल गया, इनाम दिलवाओ। कहाँ है सुंदरी, बताओ जल्दी बताओ। शहर में गुलछर्रे उड़ा रही है, नाटक कंपनी में एक्ट्रेस बन गई है। क्या कहा? देखो देखो सरदार, मैं सबूत लेकर आया हूं, ये रहा नाटक कंपनी का इश्तहार, देख लो, बाहों में बाहें डाले किस मजे से नाच रही है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी बीवी स्टेज पर नहीं नाच सकती, मेरी बीवी स्टेज पर नहीं नाच सकती। नाचने दो, औरत की कमाई किस्मत वाले को नसीब होती है। खामोश कमीने कुत्ते, मैं ऐसी कमाई पर लानत भेजता हूं। आग लगाने में तुम्हें मजा आता है, मिल जाए ना। ये घूसा इसे बहुत महंगा पड़ेगा। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? शहर में सुंदरी के पास, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। शहर में जाना तुम्हारे लिए खतरनाक है, पुलिस आज तक तुम्हारी खोज में बैठी हुई है, पकड़े जाओगे। परवाह नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है। मुबारक मुबारक मुबारक। हिसाब देखने से पता चला है कि सिर्फ आज की रात और काम कर देने के बाद तुम्हारा तमाम कर्जा अदा हो जाएगा। मुझे यह देखकर भी खुशी हुई है कि तुमने अपने वादे के मुताबिक नहाय शराफत, ईमानदारी और शौक से काम किया है। कल से तनख्वाह भी डबल और पेशगी भी डबल। ये रहा नया इकरारनामा, झटपट अंगूठा लगा दो, पर्दा उठने वाला है। उठने दीजिए, मैं तैयार हूँ। मगर अंगूठा? अब अंगूठे को बैठ कर चूसिए, कल से हमारी जिम्मेदारी खत्म। तुम चुप रहो जी। जी हाँ जी हाँ, मैं इस आदमी को अच्छी तरह जानता हूँ और इसे गिरफ्तार भी करा सकता हूँ। तुम्हें 500 रुपया इनाम मिलेगा। इनाम मिलेगा तो फिर चलिए मेरे साथ। Thank you.
में किस लिए आए हो? तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई है रानी, दिल के हाथों मजबूर हो गया हूँ। काली बिल्ली ने अभी अभी रास्ता काटा था, जरूर कोई मुसीबत आने वाली है। तुम चले जाओ फौरन। कहाँ जाऊँ, तुम्हारे बगैर जिंदगी बोझ बन गई है, मैं तुम्हें साथ लेने आया हूँ। मैं अपने काम को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकती। ऐसा ना कहो रानी, तुम्हारा इंतजार, तुम्हारी याद, तुम्हारी जुदाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी खुशियाँ मुझे वापस दे दो, मेरी खुशियाँ मुझे वापस दे दो। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं मजबूर हूँ, बिल्कुल मजबूर। तुम चली जाओ वरना पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। माफ कर दो, सिर्फ एक बार माफ कर दो मुझे। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी तुम पर हाथ ना उठाऊंगा। चलो मेरे साथ। चलूंगी मगर काम पूरा हो जाने के बाद। नहीं, इसी वक्त चलना पड़ेगा, यह मेरा हुक्म है। देर न करो प्रीतम, पर्दा उठने वाला है, मालिक इंतजार कर रहा है। मैं तुझे थिएटर में काम न करने दूंगा, तू स्टेज पर नहीं नाच सकती। मैं वादा कर चुकी हूँ, अब मैं इनकार नहीं कर सकती। मुझे नाचना ही चाहिए। सुन रही, मुझे नाचना ही होगा, मुझे नाचना ही पड़ेगा। मैं एक लफ्ज भी सुनने के लिए तैयार नहीं। कह दिया कि तू स्टेज पर नहीं नाच सकती। क्यों नहीं नाच सकती, किस लिए नहीं नाच सकती? देश के लिए अंगूठा लगाया है। जब तक मेरा खेल खत्म हो जाए ये यहाँ से हिल नहीं सकती। पर्दा उठाओ। रोक दो पर्दा, रोक दो, मैं कहता हूँ। ये मेरी इज्जत का सवाल है। और ये तेरे सवाल का जवाब है। लफंगे उठाए गिरे, तूने मुझे समझा क्या है? कड़ी लगवा दूंगा, जेल खाने में बंद करवा दूंगा, गोली मार दूंगा। नहीं नहीं मालिक, ऐसा जुल्म न करना, इसे कुछ नहीं मालूम। मैं आपका काम पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर देर किस बात की है, अंदर जाओ। जोरू की कमाई खाने वाले को सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। पुलिस, पुलिस को बुलाओ, पुलिस। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, तू मेरे साथ वापस चलने के लिए तैयार है या नहीं? खेल पूरा हो जाने दो, सिर्फ चार घंटे की बात है। सलील औरत, तू मेरी इज्जत बेचने पर तुली है, मगर इस सौदे में तुझे घाटा रहेगा। तुम अमृत को जहर समझते हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारी हूँ। जान बचा कर निकल जाओ वरना ये लोग तुम्हें गिरफ्तार करा देंगे। कैद, सूली, फांसी, अब मुझे किसी चीज का डर नहीं। आज मैं तुझसे आखिरी फैसला करके ही छोड़ूंगा। बोल, तू वापस चलने के लिए तैयार है या नहीं? नहीं, मैं इस हालत में तुम्हारे साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। तुम्हारी आंखों में खून सवार है, तुम मुझे जान से मार डालोगे, तुम मुझे जान से मार डालोगे।